लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक अपने नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर रही है। इसके पीछे का बड़ा कारण है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल के कांग्रेस नेता के खिलाफ विवादित बयान। और खास बात तो यह है कि नागौर लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल पार्टी पर ही बरसते हुए नजर आए। बेनीवाल ने राजस्थान के नागौर के एक जायल में एक समाज की सभा को संबोधित करते हुए कहा, चार पांच कांग्रेसी नेता बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। मैं कांग्रेस जिला अध्यक्ष से रोज कह रहा हूं कि रंधावा जी से बात करो। प्रदेश के प्रभारी रंधावा जी से भी कहा, लेकिन कांग्रेस के नेता परवाह नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस वालों ने बीजेपी के दुपट्टे पहन रखे हैं, लेकिन कांग्रेस बाहर नहीं निकल पा रही है। पार्टियों में ही पार्टियों के दुश्मन बैठे हैं। आप ये मत मानो कि ये कांग्रेस है, ये बीजेपी है। एक पार्टी में तीन धड़े तो दूसरे में छह धड़े हैं। कांग्रेस नेता को कहा, निकालो या नहीं निकालो आपकी मर्जी, मेरी पार्टी में होते तो धक्के देकर बाहर निकाल देता। कई तो मेरे से डरकर ही भाग जाते हैं। आपको बता दें कि नागौर में चुनावी तैयारियों के बीच कांग्रेस ने तीन बड़े नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है, जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी रहे तेजपाल मिर्धा शामिल हैं। इसके अलावा डीडीवाना से कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे भवराराम सुपका और सुखराम का निष्कासन भी किया गया है। आरोप है कि तीनों नेता बीजेपी की ज्योति मिर्धा के लिए प्रचार कर रहे थे। दरअसल जायल विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के दौरान हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को तरबूज का ढेर बताया था, जिसके बाद सियासत भी गर्मा गई। इसी के बाद कांग्रेस ने तुरंत प्रभाव से एक्शन लेते हुए उन नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जिनके लिए बेनीवाल ने इशारा किया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।